हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से एमसीए हो रहे हैं। अब देर से कंडक्ट होता है कोई एग्जामिनेशन तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब फ़ायदे देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ायदा हमें एक ही होता है कि हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपका जो ग्रेजुएशन का टाइम एग्जामिनेशन होता था और जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे, अगर ये दोनों टाइमली होते थे तो इनकी डेट्स जो होती थी काफ़ी क्लैश करती थी आपस में, और बच्चों के मन में काफ़ी हलचल रहती थी कि हम किस पे ज़्यादा ध्यान दें, ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन में या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। अगर एग्जामिनेशन डिले होते हैं तो इन दोनों एग्जामिनेशन के बीच में थोड़ा टाइम डिफरेंस यूजुअली हमें मिल जाता है, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है दोनों जगह। अगर हम नुकसान का देखें तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो अपना प्रोसेस डिले करते जाते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी सीट्स फिल हो जाएं। ऐसे में क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है उनके लिए प्राइवेट में भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये एक नुकसान हो जाता है अगर एग्जामिनेशन डिले होते हैं। तो हमें देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, नुकसान से बचना है। तो अपने प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए और अलर्ट रहिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।